असलम मैं जमील फ़ारूकी हूँ आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें तमाम तारीफ़ और पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है और तमाम दुर्ज पाक नबी अखिलज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अमद मुतबा सल वसम के ज़ाति पा के ऊपर जजह तख्ली कायनत हैं जिनकी वजह से हम हैं जिनकी वजह से यह कुल कायनात है आज 17 नवंबर है इतवार का दिन है जिस वक्त यह वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुपहर के साढ़े तीन बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नजर में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सबसे बड़ी खबर प्लॉटों की बंदर स्कैंडल है जिस पर से डॉन न्यूज़ ने पर्दा उठाया है अब एक ऐसा मुल्क जहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू वैसे हमें पता है कि कितना एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि वो दस मरले का प्लॉट ले ले या प्राइवेट नौकरी करने वाला शख्स वो ना ले सके उन्हीं अदवार के अंदर अगर किसी सरकारी मुलाजिम को सन दो यानी ईयर 2000 के रेट्स के ऊपर प्लॉट एलोकेट कर दिया जाए तो क्या ही बात है और फायदा उठाने वालों में डॉन न्यूज की स्टोरी के मुताबिक आईजी जी खबर पख्तूनखा आई पंजाब और इसके अलावा और बहुत सारे ब्रोकरेट शामिल हैं जिनको दस करोड़ रुपए मालियत का जो प्लॉट है वो सिर्फ पंद्रह लाख रुपए में दिया गया दस करोड़ रुपए इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर, के सेक्टर के पुलिस फाउंडेशन को करें। वो कहते हैं, हमारी पॉलिसी है हम देते रहते हैं लेकिन आप सोचिए अगर इसी पॉलिसी के तहत इस तरह से सिविल ब्रोकरेट के साथ ये वाला मामला रवा रखा जाएगा और उनको इस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा तो आवाम को जो इंसाफ और निजाम कानून की जो बालादस्ती के हवाले से फ्राहम करदा रिवायात हैं उस हवाले से तो उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने जा रहा इसके अलावा एक और डॉन न्यूज की स्टोरी है बड़ी स्टोरी है वो ये कि पंजाब हुकूमत से आई एम एफ दो बड़े मामला के ऊपर नाराज़ है वो दो मामला कौन से हैं उसकी डिटेल्स क्या मैंने शेयर करनी है इसके अलावा बहुत सारे ट्वीट्स वायरल बयान और साथ साथ कोर कमेटी का जो फैसला है पी टी आई का इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है एक और गुजारिश अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली से साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है टाइटल लीजिए जहाँ हैश टैग होते हैं वहाँ वाट्सएप चैनल का लिंक है उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए बासानी आपको हमारा रहा हो सकेगा डॉन न्यूज़ की स्टोरी है जनाब इनके रिपोर्टर हैं मलिक असद उन्होंने ये खबर आज के डॉन न्यूज़ में शेयर की है प्लॉटों की बंदर बांट के हवाले से चौंका देने वाले इनके शफात हैं इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर ई इलेवन में सीनियर ब्रोकरेट को करोड़ों रुपए के प्लॉट्स, कौड़ियों के मोल दे दिए गए एक कनाल का प्लॉट जिसकी मालियत जिसकी मार्केट वैल्यू दस करोड़ रुपए है वो तकरीबन तमाम ब्रोकरेट को सिर्फ पंद्रह लाख सत्तर हजार रुपए में दे दिया गया प्लॉट लेने वालों में आई पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और आई जी केपी के अख्तर हयात खान शामिल है अच्छा अब जो साबिर साहब है ही इज एक्चुअली द स्पोक्स पर्सन मेरे ख्याल से यह मैनेजिंग डायरेक्टर है इसके इनकम एम पी एफ एन पी एफ यानी नेशनल पुलिस फाउंडेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं साबिर उन्होंने ये फरमाया है कि ऐसा कुछ नहीं है ये पॉलिसी के तहत दिया जाता है अब जो एडिशनल आई जी पंजाब है बिलाल सिद्दीक कमियाना करंटली पोस्टेड एज द कैपिटल पुलिस ऑफिसर लाहौर इन स्कीम प्लॉट जो है उन्होंने वो कितने में लिया है पांच लाख रुपए में लिया है ये इस रिपोर्ट के मुताबिक यानी सीनियर ब्रोकरेट गेट प्लॉट एन इलेवन एट थ्रो अवे ये हालात हैं अंदाजा करें अब इस मुल्क के अंदर जहां पर एक आम शख्स एक आम आदमी या प्राइवेट नौकरी करने वाला या ठिया लगाने वाला या कारोबार करने वाला उसका ख्वाब होता है कि उसका पाँच मरले का घर बन जाए पाँच मरले का प्लॉट ले ले या दस मरले का प्लॉट ले ले वो उसके लिए सारी जिंदगी पैसे इकट्ठा करता रहता है जैसे वो प्राइस रेंज के करीब पहुंचता है प्लॉट की कीमत बढ़ जाती है ये हालात हैं और जो सरकारी अफसरान है इस दौर में इस दौर के अंदर खास तौर के ऊपर जिनके ऊपर उनका कंडक्ट ऑलरेडी एट क्वेश्चन है उनको जो प्लॉट्स हैं वो ये 2000 की एक्चुअल प्राइस के ऊपर दिए गए तो फिर आप समझ जाइए कि इंसाफ की जो उम्मीद है जो पब्लिक लेकर बैठी है या कानून की बालादस्ती की जो उम्मीद पब्लिक लेकर बैठी है वो तो जी तो ये स्टोरी मेरी कोई टेबल स्टोरी नहीं है मैंने बैठकर नहीं खड़ी है ये डॉन न्यूज की स्टोरी है मलिक असद साहब इसके रिपोर्टर है और डिस्क्लेमर यही है कि स्टोरी उन्हीं की है भाई अब आगे आ जाते हैं दूसरी स्टोरी यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है आई दो बड़े मामला को पंजाब सरकार से नाराज है यह भी डॉन की स्टोरी है मैं इसकी तरफ जाता हूं आ, इसके जो रिपोर्टर हैं मैं उनका नाम लिख देता हूं मुबारक जेब खान मुबारक जेब खान इसके रिपोर्टर हैं जी डॉन न्यूज के वो लिखते हैं आ, पंजाब हुकूमत के दो इकदाम के ऊपर आई एम एफ शदीद नाराज है डॉन न्यूज के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने यूए के फंड में सात सौ मिलियन डॉलर यानी दो सौ अरब रुपए सरमाया की सरमायाकारी कितने की दो सौ अरब रुपए पाकिस्तानी इसकी सरमाकारी की है जिस पर आई एम एफ ने तशीश का इजहार किया दूसरा आपको याद होगा अभी सरप्लस जाहिर किया है इन्होंने उस सरप्लस कैसे जाहिर किया वो भी बता देता हूं पंजाब के इतदाई 160 अरब रुपए के खजारे जिसे बाद पेंशन फंड से 200 सौ अरब निकालकर 40 अरब रुपए सरप्लस में तब्दील किया गया उस पर भी आईएमएफ ने तशवीश का इजहार किया अब आईएमएफ वैसे तो कुछ दिनों के अंदर रोल ओवर प्रोग्राम की तरफ सोच रहा है स्टैंड बाय अरेंजमेंट से आगे निकल चुकी है बातें हो सकता है कि हमें कर्ज मिल भी जाए लेकिन वो बहरहाल अपनी तशवीश का इजहार कर रहा है और तशवीश जो है वो एक नेशनल अखबार के रिपोर्टर ने जाहिर कर दिए अब आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चौबीस नवंबर की जो कॉल है उसके ऊपर कोर कमेटी का फैसला वो थोड़े से कुछ मज़दीद पॉइंटर्स आए हैं वो आप, आपके सामने रखना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का फैसला जी चौबीस नवंबर को मुल्क गिर एहत होगा इस्लामाबाद पहुंचकर कर कहाँ करना है क्यादत बाद में आगाह करेगी कोर कमेटी अरकान ने डी चौक में पड़ाव करने की तजवीज़ दे दी है अब तजवीज़ यही है कि डी चौक के अंदर पड़ाव करना है कर लें गैर मुयना मुद्दत के लिए होगा अगर ये गैर मुयना मुद्दत वाली बात है तो आगे ठंड आ रही है कंबल बिस्तर चीजें अशिया मेरे ख्याल में यहाँ के जो बासी होंगे जो इर्द गिर्द रिहायश पजीर लोग होंगे वह प्रोवाइड करेंगे या लोग जो अपने अपने हलकों से बाकी लोगों को लेकर आएंगे वो उनके साथ अरेंजमेंट करके आएंगे अदरवाइज तो कोई और वे आउट है नहीं अव्वल तो क्या इसकी नौबत आती है नहीं आती अभी कुछ देर पहले ऑन चौधरी ने एक प्रेसर किया उन्होंने कुछ बातें की उसके जवाब में अभी आपको देने लगा थोड़ी देर में आप हंसेंगे पार्टी की आदत अपने अजला के कारकुनान को इस्लामा लाने के अखराज एम एन एज और एम पी एस बर्दाश्त करेंगे पार्टी ने यह हदायत कर दी है अब की बार विफाकी हुकूमत के लिए बड़ा सरप्राइज तैयार किया गया अली अमीन गंडापुर कहते हैं पहले एहतों की निसबत बेहतरीन हमत अमली बना ली गई अल्लाह करे कि आपकी जो हिमत अमली हो वाकई बेहतरीन हो और आप उसके ऊपर अमल दरामद भी करें आगे चलते हैं चौधरी ने आज जो है एक प्रेसर किया है औ चौधरी ने कहा जिनके जो वानी थे वो पधार चुके हैं उन्होंने कहा है कि पीटीआई को टास्क मिला है कि मुल्क में आग लगाएं किसने टास्क दिया जी ये उन्होंने तफसी बताई लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान को वजारत उजमा के अहदे से हटाया तो उन्होंने कहा जला दो मार दो इसलिए क्योंकि हटाया गया था इनका मतलब यह इनकी मुरादी है अच्छा जी सियासी मूवमेंट सियासत के साथ चलती है आपकी आपको तो कुछ बनता भी नहीं है फिर भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो अगर तीस बंदे नहीं इकट्ठा कर, कर सकते तो क्यों कर रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस यार कर लेने दो तीस बंदे क्या फर्क पड़ता है पूरे के पूरे शहरों के इर्द गिर्द आप कंटेनर्स की फसिले क्यों खड़ी कर रहे हो रातों को लेट नाइट में जाकर क्रैकडाउन क्यों कर रहे हो सहाफियों के ऊपर बात करने वाले व्लॉगर्स के खिलाफ आप क्यों इकट्ठे कर रहे हो तो जब आपको कोई डर नहीं है तीस लोग क्या होते हैं कुछ भी नहीं आपने तीन लोगों को ऑलरेडी दफा एक सौ चवालीस की खिलाफवर्जी के चक्कर में अंदर कर दिया था वहां तीस को भी अंदर कर देंगे मसला क्या है मसला यह है कि आपको पता है कॉल के, के अंदर से बहुत कुछ निकल सकता है इसलिए ये वाली सीन हो रहा है अवाम इनके झूठे चेहरे देखे ओन चौधरी फिर कहते हैं सवाल किया कि क्या आप रियासत से लड़ सकते हैं हमने इस मुल्क के अवाम की फुलाह के लिए काम करना है भाई रियासत से तो कोई नहीं लड़ सकता लेकिन अपने हक के लिए एहत तो कोई कर सकता है ना मसला यहां रियासत से लड़ाई का थोड़ी है मसला तो जो गलत फॉर्म सैंतालीस के जरिए बैठे हैं उनसे अपना हक मांगने के कह रहे भाई आप साइड पे हटो और निजामे इंसाफ और कानून को ये गहरत दिलाने का है कि आप हमें हमारा हक दे इंसाफ दे इतनी सी बात है आप इसको दूसरी दूसरा रंग दे रहे हो तो ये बड़ा फर्क है इंटरप्रिटेशन का बड़ा फर्क है आगे चलते हैं जनाब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास एक बड़ा केस पड़ा है 20 तारीख आज 17 है दिन बाद 20 तारीख को उसके ऊपर जमानत हो सकती है वैसे मैं अगर मेरे चार महीने पहले के व्लॉग्स देखें पांच महीने पहले के तो मैंने उस वक्त भी आपको कह दिया था कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब गवर्नमेंट के पास इस बात के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि इमरान खान साहब को जेल से निकाल कर उनकी रिहायशगा बनी गला यजमान पार्क में नजरबंद कर दिया जाए उस ऑप्शन के ऊपर इस वक्त सीरियसली सीरियसली सोचा जा रहा है ये मैंने आपको पांच महीने पहले बात बताई थी आजकल के व्लॉगर वो, वो कहते हैं ना वो क्या कहते हैं उसको शुरली यूट्यूबर्स जो है ना वो दो तीन दिन से ये डिस्कस कर रहे हैं बनी गाला बनी गाला भाई मैंने पांच महीने पहले बताया कि एक पॉइंट ऐसा आएगा याद रखिएगा कि उनको एक पॉइंट के ऊपर ये छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इन्होंने कर इतना कुछ दिया है अब कुछ पीछे बचा ही नहीं है और फिर उनको मजबूर किया जाएगा कि आप जो है ना नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा बने जो हमने पहले से सोच रखा था इसके ऊपर मैं रात का जो वीलॉग है ना साढ़े आठ बजे वाला उन्नीस के बाबे और आज के बाबे उनकी सोच का जो फर्क है वो मैं आपको बताऊंगा वो उन्नीस वाले जो बाबे थे ना वो आज के बाबों से हजार गुना ज्यादा प्रो थे ज्यादा आगे की सोचते थे वो मैं आ, शाम वाला जो साढ़े आठ बजे वाला ब्लॉग है ना बड़े गौर से देखना है आपने तो जस्टिस मियां अगुल हसन औरंगजेब बीस नवंबर को इमरान खान की तोशाखाना टू केस में जमानत की दरखात सुन रहे हैं इससे पहले इसी केस में बुशरा बीबी को जमानत दी गई थी और जस्टिस साहब ने एफ आई ए से जवाब मांगा है कि क्यों उनकी जमानत ना की जाए इसका इसका फैसला बीस नवंबर को भी आ सकता है आ, कुछ बयान है मैं शामिल करता हूं जैसे मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं चौबीस नवंबर को छोटे जल से जुलूस होंगे और वायलेंस भी होगा हुकूमत तैयार बैठी है चौबीस नवंबर के एहतजाज के सीधे पर्चे इमरान खान पर होंगे इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अब हुकूमत वो हुकूमत है जिसको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है

ट्विटर को बैन कर दिया है को भी चलता कर फिर अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो सोहेल साहब कहते हैं लंदन में काजी सुनिएगा जरा अगला बयान सोहेल साहब कहते हैं लंदन में काजी के साथ बदतमीजी करने वाले सोशल मीडिया जंगजू आजाद मुल्क बरतानिया में रहते हैं उन्हें ना डर है ना खौफ इसलिए वो हद से गुजर जाते हैं क्योंकि वहां लॉ प्रिवेल करता है वहां सिविल राइट्स का ख्याल रखा जाता है अगले हिस्से की तरफ इनके मैं आता हूं वहां सिविल राइट्स का ख्याल रहता है इसीलिए वो बेधड़क बेखौफ एहतजाज करते हैं बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए घर चले जाते हैं यहां मामला क्या है वो आगे, आगे कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया तो दो दर्जन मुलजमों में से सात ने माफी का ऐलान कर दिया इसे कानूनी रास्ता नहीं इसे बदमाशी का रास्ता कहते हैं अगर कानून यहां प्रिवेल कर रहा होता तो दो साल में जो कुछ हुआ है वो ना होता कानून की तो बात ही ना करें ना ये प्लाटो की बंदर बाट हमने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टोरी कोट की है अगर कानून प्रिवेल कर रहा होता तो ये इस मुल्क में हो ही ना हो रहा होता दो फीसद अशराफिया है बदमाशी के जोर आप किसी से भी माफी मंगवा लें उसे उसे कतल भी मनवा लें माने कहा भाई अगले को अपनी जिंदगी प्यारी हो गया तौर पर तो जान छूटती है छूटे तो साबित हुआ पाबंदियां नहीं कानून साजी मसले का हल है साबित हुआ कि कानून साजी और उस पर अमल दरामद मसले का हल है भाईजान तो छब्बीस हजार ब्रिटेन लॉ को हम फॉलो कर रहे हैं छब्बीस हजार उधर भी है छब्बीस हजार भी है उधर एहतियात करने वाला आजाद है इधर एहतिया जो उधर एहतजाज कर रहा है उसकी पादाश में इधर बैठा हुआ माफिया मांग रहा है यार क्या कौन लोग कैसे कर लेते हो यार कैसे कर? और इसको सपोर्ट करने वाले लोग किस तरह के लोग हैं ये वो चूसनी का मैं अब क्या मुंह से मेरे निकल रहा है छोड़ दें जी आगे चलते हैं बिलावल के इजहारे नाराजगी बावजूद हुकूमत को कोई खतरा नहीं है ये बाजी साहब कहते हैं लीगी हुकूमत के खिलाफ शिकायत के बावजूद मौजूदा निजाम के इसकाम के बड़े जामनों में से एक है अच्छा सिदर जरदारी की जमानत के ऊपर यह निजाम चल रहा है ठीक है अब जामिन कौन है आप चेक करो मतलब बस बात ही खत्म हो गई ना आगे कुछ बचा ही नहीं पीछे कुछ बचा ही नहीं मैं फिर बार बार कहता हूं कि दुनिया कहाँ से कहां पहुंच गई स्टार लिंक के जरिए अपना इंटरनेट ऐसा फोन इजाद करने के चक्कर में कि जिसमें इंटरनेट की जरूरत न पड़े वो रिमोट एरिया में भी वो इस्तेमाल हो जाए अलन मस्क की तरफ से वो डिजिटल मीडिया को बाप बनाकर बैठे हैं कि ये मीडिया है जो रियल मीडिया है ट्रंप का आप नतीजा देख लें मोदी के राठी ने एक वीडियो सत्यानाश कर दिया उसकी का। की, हाथ नहीं लगाता यहां पर थोड़ा सा आप क्रिटिसिज्म कर दें कल दो तीन हमारे दोस्तों को जो है वो एफ ने, ने नोटिस कर दिया तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए सारे मामला के ऊपर बहुत सारे दोस्त हमारे कॉमेंट करेंगे लेकिन इमरान रियाज खान समी इब्राहिम मीर Uh, साबिर शाकिर, डॉक्टर शहबाज गिल एन एट एट्सेट्रा ये सारे के सारे दोस्त जो है ना इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं ब्लॉग्स इतना ही शाम वाला जो आठ से नौ के दरमियान ब्लॉग वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पूरा प्योर पोस्टमार्टम होगा जी असल वरहमु